हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जापान में ट्रैवल करने वाले हैं फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन में, जो प्लेन से भी तेज चलती है, 400 उसकी स्पीड है। एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है बुलेट ट्रेन में, इसके पे मोमोज कुरल का भी, क्योंकि आज तक हमने कभी बुलेट ट्रेन में बैठे नहीं है। क्योंकि वो प्लेन जितने स्पीड में चलता है ना गाइस, मतलब हैदराबाद से दिल्ली जितने देर में 2 घंटे में प्लेन लेके जाता है ना, ये भी 500, 600 किलो, 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचाती है। आज मैं जा रहा हूं टोक्यो से ओसाका, सिर्फ 2 घंटे में 400 की स्पीड ये चलती है बुलेट ट्रेन। और मेरे को देखना है 400 की स्पीड में वो हिलती है कि नहीं हिलती है, सीधा भागती है। मज़ा बहुत आने वाला है, आपको बुलेट ट्रेन दिखाऊंगा कैसे होती है दिखने में। सामने से लगती है गाइस एक पेंसिल है, ऐसे सट से पतली सी होती है सामने से, बहुत यूनिक होने वाला है। अभी मैंने पैक वॉक कर लिया पूरा सामान, और अभी हमने उबर किया है, उबर से हम जाएंगे टोक्यो स्टेशन। और उबर यहाँ पे सबसे महंगा है, आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था ना। अभी नीचे चलते हैं, पैक करा है, आपको दिखाऊंगा उबर कितना महंगा है यहाँ। अभी गाइस मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ, एंड ये देखो टैक्सी बहुत बड़ी होती है यहाँ की, लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इधर भी एक बैग रख सकते हो आप आराम से, और आगे का जो ड्राइवर है ना उसका तो अलग ही सेक्शन होता है, समझ जाओ एकदम कवर होता है। और पीछे भी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल टैक्सी में आप 4-5 बैग रख सकते हो, इंडिया में तो नॉर्मल टैक्सी में एक बैग नहीं, दो बैग छोटे छोटे हटते हैं, मेरे तो बड़े बड़े बैग थे आपने देखा था ना। और ये टैक्सी इंडिया से 100 गुना अलग है, 100 गुना क्या, कोई इंडिया में लेगा ही नहीं अगर ये टैक्सी आ गई। क्योंकि यहाँ से 5 या 7 यानी 8-7 किलोमीटर है दूर टोक्यो स्टेशन, और उसका ये टैक्सी चार्ज करती है, सोचो कितना, यहाँ के 6,000 येन, इंडिया के 3,500-4,000 रुपये 7 किलोमीटर के, इतना लगता है। इसलिए यहाँ पर कोई टैक्सी यूज़ नहीं करता है, सब मेट्रो यूज़ करते हैं। मैं भी मेट्रो यूज़ कर रहा था जापान में, क्योंकि मेट्रो उतने दूर का ही लेगी, समझ जाओ इंडिया के 150 रुपये, और ये सेम टैक्सी उतने दूर का लेगी 3,500-4,000 रुपये सिर्फ जाने का। फिर आओगे वहाँ से, फिर मतलब आने जाने साथ 14 किलोमीटर्स का लग जाएंगे आपके, समझ जाओ 6,500-7,000 रुपये, इतनी महंगी टैक्सी। और देखो टैक्सी कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ी अलग है, बड़े स्पेस है बहुत ज़्यादा, सामने भी उसका प्राइवेट है पूरा, टीवी है लगा हुआ, पीछे भी खूब स्पेस है, बस स्पेस है, इसके लिए इतने पैसे ले रहे हैं लोग। इसीलिए जापान में टैक्सी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं स्टेशन पर पहुँचता हूँ, फिर आगे का व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि लगेज ही देखो 1, 2, 3 पीछे 2 बड़े बड़े हैं, तो उनको संभालना फिर व्लॉग भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और अब ओसाका फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, जापान टोक्यो तो पूरा घूम लिया, अब ओसाका घूमेंगे 4-5 दिन फिर इंडिया आए। गाइस अभी हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, और आपको स्टेशन दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग आए, और ये है स्टेशन जो हमें ले जाएगी ओसाका बुलेट ट्रेन में। और मैं और मोमोज कुरल देखो धूप में ठहरे हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पे, बहुत 4-3 डिग्री। तो अभी अंदर टिकट लेते हैं, और सीधा आपको बुलेट ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन बाहर से दिखाऊंगा फिर अंदर जाएंगे, चलो पहले टिकट खरीदता हूँ। देखो गाइस आ चुकी है बुलेट ट्रेन हमारी, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं शिन ओसाका। बाप रे क्या तगड़ी लगती है भाई, बहुत तेज जाती है गाइस ये वाली। अभी गाइस मैं अपने बिल्कुल बुलेट ट्रेन के सामने ठहरा हूँ, जो मुझे यहाँ से ओसाका लेके जाने वाली है। और पहला लुक आप देखो, ओ माई गॉड गाइस, ये कोई ट्रेन लग रही है मेरे को, स्पेसशिप लग रही है, देख रहे हो सामने से शेप देखो इसका। ये है बुलेट ट्रेन जिसमें आज हम लोग ट्रैवल करने वाले, 2 घंटे यहाँ से ओसाका, 400 की स्पीड चलती है। एंड लिटरली देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है, भाई रे भाई गाइस, मेरा दिमाग ख़राब हो गया फर्स्ट टाइम देख के। और इसमें मेरे टिकट्स है फर्स्ट क्लास के टिकट्स मैंने इसमें लिया है गाइस, फर्स्ट क्लास टिकट्स, नॉर्मल वाले से महंगे, जैसे फ्लाइट में होते हैं फर्स्ट क्लास, प्रीमियम, इकोनॉमी, इसमें भी फर्स्ट क्लास मिल रहा था मेरे को, तो 2 टिकट्स मैंने फर्स्ट क्लास के ले लिए। वहाँ पे खाना पीना मिलने वाला है, तो इस ट्रेन में आज बहुत मज़ा आएगा। सामने से देख रहे हो कितनी सेक्सी लग रही है, अभी इंतज़ार है अंदर, चलो चलते हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद ये ट्रेन जाने वाली है। मैंने 1 बजे की टिकट ली, 1 घंटा आराम से अभी ट्रेन में जाएंगे, बैठेंगे ट्रेन, पूरा दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है अंदर से फर्स्ट क्लास। और फिर जब ये ट्रेन निकलेगी, ट्रेन की स्पीड भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि स्पीड ऊपर आ जाता है कितने की स्पीड चल रही है। और फिर ये ट्रेन यहाँ से जो जाएगी ना पूरे ओसाका तक, वहाँ का हर एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ विलेज भी देख सकते हो आप लोग, माउंट फ्यूजी भी दिखेगा, बहुत कुछ दिखने वाला है। तो अभी 1 घंटे में निकलेंगे हम लोग, अभी चलो सीट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसमें हम लोग बोर्ड करने वाले हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसके सीट कैसे है। सभी खुल गई है ट्रेन, और चलते हैं बुलेट ट्रेन में, कम ऑन मोमोज कुरल, लेट्स गो।
आ जाओ। ओहो इधर है जगह, मेरी नंबर 4 है सीट, ये नंबर 8, ओह ये वाली है मोमोज कुरल हमारी सीट। हाँ चले गई। बाप रे हालत खराब हो गई मेरी ये बैग उठा के। गाइस अभी हम लोग बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड ये देखो हमारे सीट्स, और सीट्स के कुछ फीचर्स बता देता हूँ क्योंकि ये है ग्रीन क्लास, तो ग्रीन क्लास में दो ही सीट्स होते हैं। नॉर्मल वाले क्लास में गाइस 1, 2, 3, 4 सीट होते हैं, 4 या 5 इधर 4। हाँ हाँ तो ये वाले इसमें सिर्फ दो ही होते हैं। और ये देखो पीछे से क्या ही तगड़ा इधर से दिया है, ये बटन है, अगर मैं ये दबाऊँगा तो मैं गाइस थोड़ा ऐसे हो सकता हूँ रेस्ट टाइप, मतलब 3 घंटे की ट्रेन है तो मस्त सो के मैं जा सकता हूँ 3 के 3 घंटे। और नीचे बहुत सारा स्पेस दिया है पैर के लिए, इतना सारा स्पेस है पैर के लिए पूरा, मतलब आराम से लेट कर जाओ। और ये रही अपनी ट्रेन, ओह विंडो भी बंद कर सकता हूँ शायद मैं, शायद हाँ ये रही गाइस विंडो का, मतलब अगर धूप आ रही है तो ये लगा लूँ, अगर मेरे को बाहर का व्यू देखना है तो ऐसे मैं देख सकता हूँ। सो गाइस अभी ये बुलेट ट्रेन का पहला एक्सपीरियंस है, मेरे को तो मस्त लगा, एकदम मस्त लगी ट्रेन। जगह देखो कितना सारा है, भर भर के जगह आराम से बैठो, जैसे फ्लाइट में बिजनेस क्लास होता है ना वैसे ही ये वाला है, बहुत जगह है, सीट्स भी पूरी सीधी हो जाती है, और इतनी सीधी हो जाती है मस्त सो जाऊँगा मैं यहाँ पे। गाइस अभी खाना आएगा तो यहाँ का मेरे को पता नहीं है जापान में क्या खाने के लिए मिलेगा मेरे को ट्रेन में, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। पूपू नहीं, थोड़ा अच्छी चीज़ें मिलती है लेकिन ज़्यादा वो रहता है ना चिकन वाली चीज़ें रहती है, जैसे जो मैं नहीं खाता हूँ वो सब रहती है, जैसे पॉर्क होती है और बहुत सारे अलग अलग चिकन्स होते हैं जो मैं खाता ही नहीं, मैं बस चिकन खाता हूँ नॉर्मल वाला चिकन मुर्गे का और फिश खाता हूँ उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये लोग बहुत कुछ खाते हैं तो फिर वो देख के मेरा हालत ख़राब हो जाता है। देखते हैं आज क्या आएगा यहाँ पर खाने के लिए। और व्यू देखो अभी तो सिटी का व्यू है, जैसे हम लोग गांव जैसे एरिया में जाएंगे ना, जैसे नोबिता डोरेमोन इन जैसे इनके जैसे विलेज आएंगे ना तब दिखाऊंगा, और माउंट फ्यूजी भी आएगा रास्ते में तो वो भी दिखाऊंगा। 3 घंटे का सफ़र है तो इन्जॉय करते हैं, अभी मैं रेस्ट करता हूँ, खाने का इंतज़ार करता हूँ। और मैंने कुछ खाने के लिए भी लाया हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगा क्या लाया है। यहाँ पे एक बनाना मिलता है, कुछ अलग टाइप का रहता है, फ्राई बनाना रहता है, जैसे इंडिया में हम बनाना खाते हैं नॉर्मल, यहाँ पे रहता है फ्राई, फ्राई करके पैक करके देते हैं, जैसे मिठाई होती है ना पैक करके देते हैं वैसे ही देते हैं। तो मैंने वो भी ख़रीदा है, वो भी आपको दिखाऊँगा कैसा है। अभी तो लगता है ट्रेन कहीं रुकी है, रुकने वाली है, तो अभी खाना आने दो फिर आपको बताता हूँ खाना कैसा है, दिखाऊँगा अभी मैं। गाइस आपको एक ऐप के बारे में भी बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग कैश ले सकते हो, फ्री फायर के डायमंड्स ले सकते हो, और जितने भी गेम्स हैं ना सब के आप लोग वहाँ पे करेंसी ले सकते हो, और वो ऐप का नाम है विंजो, और विंजो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको क्या करना है, लिंक से विंजो इंस्टॉल करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा गेम्स है, और ये हर एक गेम खेल के अगर आप top 3, top 5, top 10 आते हो तो आपको 1000 तक डायमंड, 1000 तक कैश तक मिलने के चांसेस है। यहाँ पे फ्री टूर्नामेंट्स, फ्री फायर के फ्री डायमंड्स, फ्री यूसीज, ये सब कुछ मिलते हैं। तो आपको विंजो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके इन ये देखो गाइस जापान के गांव कुछ ऐसे होते हैं, गांव भी डेवलप्ड है पूरे एकदम तगड़ा तगड़ा है, मतलब फैक्ट्री एरियाज है ये, और ये पूरा गाँव है देख रहे हो आप, मतलब एकदम तगड़ा सा, आपको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो बड़ा सही है। मेरे को ट्रैवल करना था गांव में भी जापान में, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। और वो देखो माउंट फ्यूजी जो अभी आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा माउंट फ्यूजी। गाइस अभी आधा घंटा हो गया है ट्रेन में मुझे, एंड फाइनली मुझे माउंट फ्यूजी दिख गया। यहाँ पे तो मैं गया नहीं, मेरे को जाने का प्लान था। ये देखो सबसे ऊपर देख रहे हो ना, ये है माउंट फ्यूजी, बहुत ही तगड़ी, बहुत तगड़ी जगह है, एक नंबर जगह है, लेकिन यहाँ पे मैं जा नहीं पाया, लेकिन जाने का बहुत ज़्यादा मन था। माउंट फ्यूजी पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है ऊपर से, तो एक नंबर लगता है गाइस, एक नंबर। ये देखो गाइस पास से कितना खूबसूरत दिखता है माउंट फ्यूजी, यहीं पे आने का मेरा प्लान था लेकिन टाइम ही नहीं मिला गाइस, तो अभी मैं ट्रेन से देख के खुश हो रहा हूँ। ये देखो यहीं पर हम 2 दिन आने वाले थे माउंट फ्यूजी पे, एंड ऊपर भी जाने वाले थे वहाँ पे। अभी मैं कुछ खाने के लिए मंगा रहा हूँ अच्छा वाला, और अभी तो मोमो सुरल तो सो गया है,
तो मैंने जैसे माउंट फ्यूजी देखा, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और देखो ये पूरा गांव एरिया, यहीं पे मैं रहने वाला था 2-3 दिन, बट वो कैंसिल हो गया। कोई ना, नेक्स्ट टाइम माउंट फ्यूजी। गाइस अभी बुलेट ट्रेन अपनी पीक स्पीड पे चल रही है, तो मुझे जानना था कितने की स्पीड पे चलती है। अभी देखो एकदम पूरी 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 फास्ट चल रही है, तो मैंने फ़ोन में स्पीडोमीटर निकाला एंड अभी आपको स्पीड दिखाता हूँ इस ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की अभी कितनी स्पीड है। तो ये चल रही है गाइस 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। यहाँ पे देखो मैं चेंज भी कर देता हूँ, जैसे ये और देखो आखिरी में 269.70, मतलब 300 की स्पीड पे चल रही है अभी ये ट्रेन, 300 की, ठीक है, देख रहे हो ना, 300 की स्पीड पे चल रही है। इंडिया में कितने में चलती है, 100-150 मैक्स, लेकिन ये ट्रेन अभी चल रही है 300 की स्पीड पे, समझ जाओ, क्योंकि 71 उससे नीचे नहीं हो रहा है। देखो कितना, देखो 62, 65, 270, मतलब 70 एवरेज है, 71, 72 एवरेज स्पीड पे, मतलब 300 की स्पीड पे अभी ये बुलेट ट्रेन भाग रही है। वाह, फर्स्ट टाइम गाइस ये बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ। और स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, देखो निकिता मस्त हो गई है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। मैं सोचा मैंने कुछ खाते हैं, लेजोज मंगाया है, अभी खाने पीने का आएगा वो भी खाएंगे, इन्जॉय करेंगे। और आगे आपको दिखाते रहता हूँ क्या क्या करूँगा ट्रेन से। अभी ओसाका पहुँचने में मुझे शायद 1 घंटा और लगेगा। और व्यू देखो बाहर का, बहुत प्यारा। गाइस फाइनली हम लोग अभी ओसाका पहुँच चुके हैं, 2 घंटे 30 मिनट लगा। मोमो स्कूल तो घोड़े बेच के पूरा 2 घंटे सो रहा था, और मैं भी बीच में नैप मार लिया था 30 मिनट्स का। अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, सिटी में पहुँच चुके हैं। जब से हम गांव में थे ना, अलग अलग विलेज, 3-4 विलेज, माउंट फ्यूजी ये सब देखा। अभी हम लोग आ चुके हैं ओसाका सिटी में, शिनोसाका ये हमारा स्टेशन है। यहाँ पे अभी उतर के जाएंगे होटल में, होटल भी मैंने देखा नहीं है यहाँ कैसा है। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सिटी पूरा, आज घूमूंगा रात में थोड़ा सा, अच्छे अच्छे एरिया, कुछ खाने की जगह ढूंढूंगा, क्योंकि टोक्यो में तो एक दो मेरी फेवरेट जगह थी जहाँ पे खाता था, यहाँ पे पता नहीं है कहाँ पे अच्छा लगेगा खाना कहाँ पे नहीं। तो चलो अभी स्टेशन पे पहुँचता हूँ, फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। यहाँ से टैक्सी लेते हैं, टैक्सी का प्राइस यहाँ पे क्या है मैं वो भी देखना चाहता हूँ, और सीधा होटल चलते हैं इसके बाद। अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के बाहर, यहाँ से हम लोग टैक्सी लेने वाले हैं। और देखो टैक्सी के लिए भी यहाँ पे लाइन होती है, हर चीज़ के लिए इतनी लाइनें होती है क्या बताऊँ, मतलब हर चीज़ गए हैं यहाँ पे, सब जगह लाइन तो होती है होती है, इतने लोग हैं। अब टैक्सी यहाँ से एक लेंगे, और स्टेशन से मेरा शिनोसाका से है 10-15 मिनट दूर है शायद घर, होटल सॉरी। और गाइस स्टेशन से मेरा होटल है सिर्फ 4 किलोमीटर, मतलब 5 मिनट दूर, मेन सिटी में ही मैंने होटल ले लिया। बस अब टैक्सी मिल जाए जल्दी जल्दी होटल जाते हैं, फिर खाने की कोई अच्छी जगह ढूंढूंगा मैं। और देखो इतना सारा सामान लेके चल रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, चलना भी बहुत मुश्किल। गाइस अभी हम लोग टैक्सी में आ गए हैं, और टैक्सी देखो कुछ ऐसी है, थोड़ा टोक्यो जैसी नहीं है, टोक्यो से थोड़ा मतलब अलग है, सिंपल है, इजी है। टोक्यो में थोड़ी एडवांस टैक्सी होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक। अभी यहाँ से 4.4 किलोमीटर ओसाका से, मेरे स्टेशन से शिनोसाका से मेरा होटल सिर्फ 4 किलोमीटर है, मतलब मेन सिटी में ही है। और सिटी देखो कुछ ऐसा है, आपको दिखाता हूँ, मतलब उतना एडवांस नहीं है, है मेरे को लगा उतना एडवांस नहीं है, लेकिन है ये सिटी, एकदम तगड़ी सिटी है। मेन सिटी तो यहाँ से स्टार्ट है, मेरे को लगा, मेरे को दिख नहीं रहे बड़े बड़े बिल्डिंग्स आगे है, मेन बिल्डिंग्स वहाँ देखो बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स आगे है, तो मतलब समझ जाओ सेम टोक्यो जैसा ही सिटी है। अभी यहाँ पे गाइस कल्चर एक्टिविटीज़ बहुत होती है, जैसे जापान के अपना ये जो टेम्पल्स होते हैं वो बहुत है यहाँ पे, यहाँ पे निंजा ट्रेनिंग भी होती है गाइस। और यहाँ पे जो भी अपना मतलब ओल्ड चीज़ें हैं ना, वो हम लोग जा सकते हैं साइट सीइंग के लिए। तो यहाँ पे जब ओसाका में हम लोग पुराने जापान को देख सकते हैं, बहुत कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग ट्राई करेंगे घूमने के लिए उधर भी अच्छे अच्छे जगह पे, जो बहुत ओल्ड प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो अभी सिटी के अंदर घुस ही गए हम लोग, तो मैं आपको होटल के अंदर ही सीधा मिलता हूँ, क्योंकि होटल में जाने के बाद मुझे ढूंढना है अच्छी सी जगह जहाँ पे जाके मैं खा सकूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। और मेरी फेवरेट जहाँ पे मैं श्रिम्प और चावल खाता हूँ वो तो टोक्यो में ही है, और वहाँ पे गाइस मैं चॉपस्टिक से भी खाता हूँ, चॉपस्टिक से आदत हो गई है, अब खाने की आ गया है मेरे को चॉपस्टिक से खाना, वीडियो में भी दिखाऊंगा अभी खा के चॉपस्टिक से, एकदम अच्छे से हर चीज़ खाऊंगा, जो मतलब चिकन पीस, राइस चॉपस्टिक से खाना मुश्किल होता है वो भी खा के दिखाऊंगा,
अभी पहले होटल पहुंचते हैं, वहां से हम जाएंगे कुछ खाने ना, वहां पे सब दिखाता हूं आपको। गाइस अभी होटल में मैंने चेक इन कर लिया है और कुछ ऐसा अच्छा होटल है, टोक्यो से थोड़ा तो तगड़ा होटल है ये वाला। टीवी भी एकदम मस्त लगी हुई है सामने। अभी मेरा प्लान है यहाँ से हम जो ओसाका का मेन मार्केट है जहाँ पे सारा फूड सब कुछ मिलता है वहाँ पे जाएंगे। कल जाएंगे नहीं, आज ही जाएंगे। आज 7 किलोमीटर दूर है, ट्रेन से 5 मिनट लग रहा है, सीधा ट्रेन है। तो आज ही जाएंगे हम लोग, कल नहीं, अभी रेस्ट नहीं करना, घूमेंगे मस्त एकदम। और फिर आपको भी दिखाता हूँ कैसा है माहौल ओसाका का। फिर कल से प्लान है मेरा कि कल से 4-5 एक्टिविटी करना है। गाइस अभी मैं नीचे आ गया हूँ मेरे घर के, एंड बहुत ही प्यारा मार्केट है यहाँ पे, देख सकते हो। वॉक कर रहा हूँ मैं कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहा हूँ, बट यहाँ पे 6 या 7 बजे खुलेगा। 2-3 रेस्टोरेंट में मैंने पूछा कितने बजे खुलेगा, तो 6-7 बजे बोले वो लोग। और यहाँ से मैं सोचा एक लंबी वॉक मार ही लेते हैं, तगड़ा सा व्यू भी है और कुछ खाने पीने का मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरे को जो पसंद था श्रिम्प वो अभी बंद है, रेस्टोरेंट 6 बजे खुलेगा उसने बोला। तो मैं सोचा एक लंबी वॉक मार लेते हैं और मैं उधर से आ रहा हूँ, वहाँ से इधर को जा रहा हूँ, देखता हूँ इधर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है खाने के लिए। अभी तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ओसाका पहुँच चुका हूँ एंड हमने डिनर उनर भी कर लिया। मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं किया बट अच्छा यहाँ पे खाना था, टोक्यो जैसा ही था। और जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है टोक्यो में वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया, कल वहाँ पे मैं जाऊँगा खाने पीने। एंड जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसके बाद वो आने वाला है जिसमें हम लोग ऑक्टोपस ट्राई करेंगे, रामन ट्राई करेंगे, स्क्विड ट्राई करेंगे, जैपनीज फूड ट्राई करेंगे जो बहुत वियर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी रेडी रहना। ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।